दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में महिलाओं की संख्या बड़ी भारी तादाद में उमड़ रही है। मौका है तनसिंह जयंती का सौवां समारोह या सौवीं जयंती का जन्म शताब्दी समारोह। हमारे पीछे काफ़ी लेडीज़ यहाँ हैं। मैं साथी से कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से, अभी सुबह का वक्त है, कार्यक्रम में अभी शुरू होने में 2-3 घंटे हैं। ऐसे में ये जो महिलाएँ हैं, क्या नाम है मैम, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम मंजू राठौड़ है और हम राजस्थान सीकर से आए हैं। सीकर में दुर्गा महिला विकास संस्थान में यूनिट है, मीरा गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, वहां से हम बच्चियों को लेकर आए हैं। जी, दुर्गा महिला संस्थान क्या है? ये क्षेत्रीय युवक संघ के द्वारा संचालित एक विद्यालय है जी। जो क्षेत्रीय युवक संघ के द्वारा संचालित होता है और क्षेत्रीय युवक संघ की विचारधारा पर ही ये विद्यालय कार्य करता है जी। क्या विचारधारा है, थोड़ा सा आप एलिबरेट करेंगे प्लीज? जी बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय संघ की विचारधारा क्या है कि संस्कार जो है, संस्कार सहित शिक्षा देनी है। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि शिक्षा आपको सब जगह मिलेगी, किताबी ज्ञान सब जगह मिलता है, लेकिन संस्कारों से युक्त शिक्षा की कमी है। और क्षेत्रीय संघ का यही उद्देश्य है कि बालिकाओं में संस्कार का बीज रोपण इसी उम्र से किया जाए। सुमन जी बता रहे हैं संस्कार निर्माण और उनकी बात, मीरा बाई जो थे उन्होंने ब्रेक किया था सिस्टम राजपुताने का, पर्दों और वो महलों से बाहर निकल पड़ी थी और एक लंबा वक्त रहा कि मीरा नाम नहीं रखा गया बेटियों का। कैसे देखते हो आप इसको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने ब्रेक किया, ब्रेक करने से नहीं है, वो अपने संस्कारों में रह के उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारे मुहावरे जो है वो लिखे हैं, और वो उनकी विचारधारा थी कि वो कृष्ण की भक्ति में लीन थे, उन्होंने संस्कारों से हटकर कुछ नहीं किया। पर्दा तोड़ा उन्होंने उस वक्त? नहीं, पर्दा तोड़ना हम उसको नहीं कह सकते, पर्दा तोड़ना एक अलग चीज होती है। उन्होंने पर्दे में रहकर ही सब कुछ किया। पर्दे का मतलब सिर्फ घूंघट नहीं होता, हम अपने संस्कारों से बंधे रहे, हम अपनी जड़ से बंधे रहे, वो भी पर्दा होता है जी। ये सुमन जी बता रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पर्दा एक सफेद रंग का एक कपड़ा हुआ करता था जो महिलाओं के चारों तरफ रखा जाता था, प्रथा थी, टूट गई अब। तो जिस तरह से राजनेता एलोबरेट करते हैं घूंघट और पर्दा को, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। पर्दा एक प्रथा थी जो अब नहीं है राजपूतों में। मीराबाई का उल्लेख करें क्षत्रिय समाज में, या मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई कैरेक्टर हुआ होगा जिसके पीछे न तो कोई पंथ चला, न चेले थे, न उनका लिखा हुआ कोई साहित्य उस रूप में मिलता है जैसा तुलसीदास की मानस मिलती है, न ही उन्होंने कोई इस तरह सांसारिक जीवन जिया कि उनकी संतानें हुई। मीराबाई अगर सांसारिक जीवन जीती तो मेवाड़ का इतिहास दूसरा होता, महाराणा प्रताप शायद राजा नहीं बनते। और एकमात्र कैरेक्टर जिनके पीछे ये सब चीज़ें नहीं थी उसके बावजूद 500 साल बाद भी प्रासंगिक है। कुछ बच्चियां हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हंसा है, कासली से। कहाँ से? कासली से जी। कैसे देखते हो आप इस इवेंट में, क्यों आए हैं आप यहाँ? हम बस अपना योगदान देने आए, मतलब जो हम जानते हैं और कुछ जो चीजें हमें नहीं पता वही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं जी। तो और भी बच्चे हैं, क्या नाम बेटा आपका? गौरवी। गौरवी कहाँ से आप? मैं पाली, टीबड़ी। अच्छा, पाली में टीबड़ी। टीबड़ी से। बताओ कैसा लग रहा है, क्या है ये इवेंट? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और मुझे, मेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे था कि मुझे यहाँ पर आना ही है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आपका क्या नाम है? साक्षी। कहाँ से आप? बीकानेर। साक्षी जी बीकानेर से हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या तो क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है ना कि अब हमारे खुद के समाज के अंदर हम जुड़ने लग गए हैं, हमें संस्कारित किया जा रहा है, कि यही हमारे लिए इतनी बहुत बड़ी बात है कि हम ये चीज़, ये मौका किसी बहुत कम लोगों को मिलता है जो हम लोगों को मिला है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 10th। आपका क्या नाम है? अल्पिता। अल्पिता बताओ अपने बारे में, बताओ कहाँ से आए हो? हाँ, मैं शिरोही से हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। शिरोही में कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिरोड की। अच्छा, सिरोड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। आप सीकर में ही पढ़ते हो? यस। तो और भी बच्चे यहाँ हैं, क्या नाम है मैम आपका? सरोज। सरोज कहाँ से? बाड़मेर से। क्या बताना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? कुछ लोग बड़े शाही हैं, अभी जो शर्म का पर्दा है उसे ब्रेक करने की कोशिश है। और भी बेटियां हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी कहाँ से हो आप? नागौर। नागौर से। क्या बताना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? बहुत। पहले आप घर से बाहर निकले हैं कभी? हाँ। अच्छा, चलो चीज़ें बदल रही हैं नए तरीके से। और बच्चे हैं जिनसे बात करेंगे, अपन पीछे चलते हैं जहाँ। ये देखिए, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम गौरीशा है जी। कहाँ से हैं आप?
मैं जयपुर से हूँ। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में। जी, तो क्या बोलना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? हाँ, बहुत इंजॉय हो रहा है मेरा, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही दिल्ली में आई हूँ एंड काफ़ी प्रिटी लगा मुझे यहाँ पे आके। मेट्रो में हम आए एंड बस से आए थे हम हॉस्टल से एंड अभी मैं मेरे पेरेंट्स का वेट कर रही हूँ, मिल जाए क्या पता। बेटों बेटियों की जो खिलखिलाहट है, इंजॉय किया है तो उस इंजॉय वाला। मैम हमारे साथ एक मैम है, मैम कहाँ से हैं आप? कमा गनी हुकम, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से, और यहाँ पे मैं संघ की कार्यकर्ता भी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति राजावत है। जी, तो क्या है ये इवेंट? महिलाएं राजपूतों के कार्यक्रमों में वैसे निकलती नहीं है मोस्टली, ये एक मिसकंसेप्शन है। राजपूत जो है उसके साथ आपने एक वो जोड़ रखा है कि कुप्रथाएं, पर्दा और ये सब, ऐसा है नहीं। टाइम्स आर चेंजिंग नाउ एंड एज यू कैन सी हियर सो मेनी ऑफ देम आर कमिंग। तो अब ये नहीं कह सकते कि राजपूतों के साथ वो सारी चीज़ें हैं। हमारे पूजनीय तन सिंह जी का वार्षिक वो है 100वां, जिसे कहते हैं कि वार्षिक, तो इसमें यहाँ से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से क्षत्रिय पधारे हैं। तो ये कार्यक्रम बस उन्हीं के ऑनर में है। ये हमारे लिए कार्यक्रम नहीं बल्कि मैं इसको कहूँगी ये हमारे लिए उत्सव है। उत्सव की बात कर रहे हैं, मैम से बात हुई, और भी लोग यहाँ हैं, मैं साथ ही से कहूँगा, यहाँ पीछे अपन चलते हैं थोड़ा, काफ़ी लोग बैठे हैं। जी मैम, आप बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? शर्म वाला मामला चल रहा है, काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हैं। कहाँ से हैं आप मैम? मोकलसर से। जालौर से? मोकलसर बाड़मेर जिले, बाड़मेर में मोकलसर से। जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दिल्ली पहले पधारे हो आप? नहीं, फर्स्ट बार है। अरे क्या, मेट्रो में बैठे आप? नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं दादी साहब? मोकलसर से। मोकलसर से, अच्छा अच्छा। तो क्या कार्यक्रम है, समझ में आ रहा है आपको? जी, आप कहाँ से पधारे? आप भी मोकलसर से। और लोग हैं, आप कहाँ से हैं मैम? हम लोग बाड़मेर जिले से और गांव हमारा इंद्राना है, नाम सागर कंवर है, और हम मतलब पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कम से कम हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है कि आज राजपूत समाज की लड़ी से बाहर निकल पा रही है। वरना कहीं मतलब सोचना पड़ता था कि कब हम बाहर जाएंगे, क्या देखेंगे, वरना दुनिया देखने का मौका मिल रहा है तो आज बहुत कुछ, आज दिल्ली देखी पहली बार। हाँ, बच्चों को भी तो देंगे, हमें मौका मिला है तो बच्चों को तो पहले देंगे, और बच्चे भी हमारे साथ हैं और बच्चे भी आए देखें तो बच्चों को भी पता चले कि हमारा समाज क्या है, हमारा मतलब हमारा संघर्ष, ये क्षत्रिय समाज के बारे में क्या क्या है, इसकी जानकारी भी उन्हें भी पता चले, हमें भी पता चले, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। आपका क्या नाम है? हाँ नमस्ते, मेरा नाम हंस कंवर है और परम पूज्य तन सिंह जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे दिल्ली में बहुत अच्छा लगा आने के लिए, और केसरिया बाग, केसरिया ओढ़ने बहुत अच्छे लगे, और आगे भी आना चाहेंगे। हमने मैं खुद भी आई और मेरे बच्चों को भी लेके आए हो, और हम यहाँ छोटे बड़े यहीं हुए हैं, इसलिए दिल्ली में ही बड़े हुए हैं छोटे बड़े, इसलिए केसरिया रंग आप देख सकते हैं। दिल्ली में वैसे धुंध है, सुबह का वक्त है, अभी कार्यक्रम शुरू होने में समय है, लेकिन जिस तरह से केसरिया के साथ, आप कहाँ से पधारे मैम? बाड़मेर से। बाड़मेर से, क्या नाम है आपका? पूनम कंवर। जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले दिल्ली आए हैं आप? नहीं, पहली बार आए। जी जी, आपका क्या नाम है? नैनो कंवर। आप भी बाड़मेर से हैं? आप बाड़मेर से। बाड़मेर जैसलमेर के बहुत लोग हैं, बाड़मेर से ही थे तन सिंह जी, और हालांकि उन्होंने इस एक फलक एक विस्तार दिया है क्षत्रिय युवक संघ को। आप देखेंगे कि दिल्ली में जिस तरह का इवेंट हो रहा है, पहली बार क्षत्रिय युवक संघ दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। और क्या नाम है मैम आपका? समंदर कंवर। समंदर कंवर जी, आवाज़ थोड़ी सी। समंदर कंवर जी, कहाँ से बता रहे हैं आप? कालेवास। कालेवा बाड़मेर से। बाड़मेर से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो आप परंपरा के साथ हैं, घूंघट वाली के साथ। मैम आपका क्या नाम है? प्रेम कंवर। प्रेम कंवर, आप भी बाड़मेर से? हाँ बाड़मेर से। बाड़मेर वाले लोग हैं, कैसा, पहले आए हैं आप इस तरह? पहली बार आए दिल्ली। जी, जी। हाँ, पहली बार आए दिल्ली। आप? मेरा नाम रेखा चौहान है और मेरा पियर ही दिल्ली है। अच्छा अच्छा। और बाड़मेर बालोतरा से ही आई हूँ। ससुराल में आए आप? हाँ जी। क्या करते हैं प्रेम जी आप? मेरे हस्बैंड वहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा। हाँ जी, और हम लोग यहाँ जो हमारे क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक हैं थे, मतलब अपने तन सिंह जी, उनके जन्म शताब्दी समारोह मनाने आए हैं। जन्म शताब्दी समारोह मनाने आए हैं, और भी कई लोग हैं यहाँ, संख्या काफ़ी अच्छी और लगातार लोग आते जा रहे हैं। कार्यक्रम शुरू होने में अभी वक्त है, तो हम रेंडमली बात कर रहे हैं, कई लोगों का नंबर नहीं आ पाएगा,
तो यह जो इवेंट है इसमें जैसे मीरा गर्ल्स स्कूल जो है उनकी बच्चियों से हमने बात की। सीकर में क्षत्रिय युवक संघ का एक दुर्गा बालिका छात्रावास नाम से एक चलता है, वहाँ पे मीरा गर्ल्स स्कूल है। तो मीरा बाई को आप जानते होंगे और मीरा बाई वो है जिनके हरजस से लगभग दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हुए हैं। और दर्शन के लिहाज से बात करें तो भारत में ऐसा कैरेक्टर बहुत कम है कि अपने होने के 500 साल बाद भी याद रखा जाए सिर्फ और सिर्फ अपने कृतित्व की वजह से, जबकि पीछे कोई पंथ चेला चपाटी जो है वो संतानें नहीं हुई उनकी। और ये तमाम चीज़ें हैं इनको लेके अपन देखते आ रहे हैं कि यह जेएलएन स्टेडियम है दिल्ली का, जहाँ पे क्षत्रिय युवक संघ एक बड़ा इवेंट कर रहा है। और बेटियाँ हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा कवर। कहाँ से आए हो आप? काकराला। बालोतरा। बालोतरा से, बाड़मेर से संख्या खासा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आए हो आप कभी घर से? नहीं, पहले शिविर में तो जाती हूँ। आपका क्या नाम है? तनु कवर। कहाँ से हैं आप? बालोतरा से आई हूँ लेकिन रहती हूँ एलाना जालोर जिले में। एलाना? हाँ। एलाना जालोर। तो ये लगभग राजस्थान के लोग हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ कुछ दूसरी जो है वो वहाँ से अगर लोग आए हैं तो महिलाओं का एक अलग ही उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत सारी महिलाएं जो पहली बार कह रही हैं कि घर से बाहर निकली हैं, पहली बार क्षत्रिय युवक संघ ने उनको मौका दिया। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो परंपरा और ट्रेडिशंस और उन चीज़ों को जो निभाती हैं जो महिलाएं, उनकी ओर अपन चलेंगे कि और भी लेडीज से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं मैम? चेन्नई से। चेन्नई से? बाड़मेर से। हाँ, जोधपुर से। अच्छा, चेन्नई से। अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले आए हैं आप? नहीं, पहली बार आए। आपका क्या नाम है? मोविस कवर। कहाँ से? चेन्नई से, जोधपुर। दक्षिण भारत से, सुदूर दक्षिण भारत वाली टीम है जो कि मद्रास जो प्रेसिडेंसी हुआ करता था अंग्रेजों के राज में, फिर मैसूर का इलाका और वहाँ अब चेन्नई है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम सांचौर जिले से, रतनपुर। जी, रतनपुर। सांचौर नया जिला बना है और उन्होंने बता भी दिया कि सांचौर जिले से है, रतनपुर से। चेन्नई में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, जोधपुर वाली जी। नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यह जोधपुर जिले से भी कई लोग हैं। आप कहाँ से हैं? सांचौर से। सांचौर से। आप, क्या नाम आपका? साक्षी कंवर। आपका? तनुश्री कंवर। तो बच्चों में खासा उत्साह है। अपन चलते हैं महिला विंग की ओर कि और कितने लोग हैं जो कि इस इवेंट में अपनी एक अलग योगदान के लिए लोग आए हैं। हम बाड़मेर के लोगों से बात कर चुके हैं, जालोर सांचौर के लोगों से बात कर चुके हैं, अपन इधर आएंगे। क्या नाम है मैम आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम गुड़िया कंवर है और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट काठाड़ी से आए हैं। बाड़मेर काठाड़ी, काठाड़ी रमणिया जी। पहले आए हैं आप कभी? नहीं, पहली बार। क्या है ये कार्यक्रम, आपको पता है? धन सिंह जयंती के बारे में। धन सिंह जयंती कार्यक्रम। आप कहाँ से आए माता जी? बाड़मेर। कहाँ से? बाड़मेर से। क्या नाम आपका? कोटली। आवाज थोड़ी सी कम हो रही है, तो आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम सोन का और बूढ़ीवाड़ा से आए। बूढ़ीवाड़ा बाड़मेर से। जी हाँ, बूढ़ीवाड़ा वालों का जालो जयपुर में काफी ओल्ड है। आपका क्या नाम है? ललिता कुंवर, बालोतरा बाड़मेर। ललिता कंवर जी। और ये लोग वो लोग हैं जो कि ट्रेडिशनली लगभग कम बाहर निकलते हैं और क्षत्रिय युवक संघ ने एक मौका इनको दिया है और हम उनसे बात करते हैं जो क्षत्रिय युवक संघ के स्वयं सेवक हैं। तो मैं साथी को कहूँगा नीचे की ओर जो है वो अपन चलेंगे। तो यह दिल्ली का जेएलएन स्टेडियम है और जेएलएन स्टेडियम में हम इस वक्त बात कर रहे हैं तन सिंह जयंती पे जो आयोजन है और उस आयोजन में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, इस माहौल को देखने के लिए कुछ बच्चियां और है। क्या नाम बेटा आपका? दीपिका कंवर। धीरा। धीरा बाड़मेर। हाँ। बाड़मेर का अलग ही माहौल है, क्या ज्यादा लोग बाड़मेर से क्यों हैं? बाड़मेर से इसलिए है क्योंकि पूज्यश्री जो थे उनका गांव भी था रामदेवरिया, तो वो बाड़मेर से थे। अच्छा, ये रामदेवरिया गांव। हाँ। आप क्या करते हो? मैं भी स्टडी करती हूँ, मैं 11th में हूँ। अच्छा, बाड़मेर में? नहीं, सिवाना। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम लोकेश कंवर है, मैं काठाड़ी से हूँ और जहाँ से पूज्यश्री रहते थे सिवाना, वो हमारे 20 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। तो बाड़मेर के रामदेवरिया गांव में। और आपका क्या नाम है?
सेम ही है, साथ हा? साथ में ही है बाड़मेर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? नेतल कवर। आप? अमिशा कवर कुंडल। लक्ष्मी कवर कुंडल। तो ये बच्चियों में एक अलग सा उत्साह नजर आ रहा है। हम कुछ उन लोगों से बात करेंगे जो क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक और व्यवस्थाओं में जुटे हैं। यहाँ आएंगे महिला वर्ग में कि जिस तरह से क्षत्रिय युवक संघ की महिलाओं में एक उत्साह नजर आ रहा है इस आयोजन को लेके। पुरुष केसरिया साफा में है, महिलाएं केसरिया पोशाक में हैं। तो अपन बात करेंगे कुछ बच्चियों से। क्या नाम है आपका? सोनू कवर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? काठाड़ी सिवाना में। अच्छा अच्छा, और काफी आप कहाँ से हैं मैम? मैं बाड़मेर बिशाला से। बाड़मेर से बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या वजह है? क्योंकि तनसिंह जी स्वयं बाड़मेर से ही बिलोंग करते हैं, उनकी मातृभूमि कर्म भूमि बाड़मेर रहा है, तो हम सब उनसे काफी प्रभावित है और क्षत्र धर्म इसी प्रगति की ओर कार्य कर रहा है। केसरिया कलर का क्या कारण है? केसरिया कलर ये त्याग और समर्पण और बलिदान वीरता का त्याग समर्पण है, इसलिए। तो अब बलिदान का मूड है आपका या कुछ और? चूंकि हमें भारत को सक्षम दिव्य भव्य और समर्थ बनाना है और चूंकि इसके लिए त्याग समर्पण शौर्य और शान की आवश्यकता है, तो हम सब उसी प्रतीक के तौर पर केसरिया वस्त्र पहन के आए हैं, केसरिया साफे के साथ आए हैं। जो हमारे पूर्वजों ने समर्पण किया वो आज वापस हम याद दिलाने आए इधर। पहले दिल्ली आए हैं आप लोग? पहले तनसिंह जी की जन्म शती के उपलक्ष्य में हम पहली बार दिल्ली आए हैं। इससे पूर्व ये कार्यक्रम इसके संदर्भ में नहीं था, हम जयपुर में थे। अब की बार राष्ट्रीय स्तर पर ये किया जा रहा है, तो दिल्ली प्रथम बार आगमन है। आप कुछ बोलेंगे? आपका क्या नाम है? साक्षी कंवर जी। आज खुशी का पल है, एक सा सबको देख के बहुत ही खुश, हम खुश नसीब है कि इस अवसर पे हमें शामिल होने का अवसर मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ। हाँ बताएं। हम डिंपल कंवर बिलोर जय संघ शक्ति। आज हम पूज्य श्री तन सिंह जो युग दृष्टा ऐसे महान व्यक्तित्व का आज हम जन्म शताब्दी वर्ष उनको श्रद्धांजलि देने आए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया। अपने काफी संघर्ष उनके जीवन में काफी संघर्ष आए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने निजी हित को त्याग कर समाज के लिए, अपने समाज को एक करने के लिए, कौम को एक करने के लिए उन्होंने अपना त्याग दिया। और आज मैं इस मंच को देख के मुझे बहुत ही अंदर से बहुत ही हर्षित हो रही हूँ कि उनका जो सपना, अगर वो यहाँ पे उपस्थित होकर हमें जरूर हमें देख रहे, हमें आशीर्वाद दे रहे, उन बहुत गदगद हो रहे होंगे खुशी से कि आज। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम 36 कौम को साथ में लेके, हम 36 कौम के प्रति हमारा क्षत्रिय धर्म क्या है, यही हमें क्षत्रिय धर्म, ये हमारा अकेला क्षत्रिय का नहीं है कि हम राजपूत है, जातिवाद नहीं, हम पूरे क्षत्रिय धर्म, हमारा क्षत्रिय का, एक क्षत्रिय का अपनी दूसरी 36 कौम के प्रति अपना क्या दायित्व होता है, क्या समर्पण होता है, क्या त्याग होता है, क्या कर्तव्य होता है, इसी की मार्ग पर ये पथ प्रदर्शक है श्री क्षत्रिय युवक संघ जय संघ शक्ति। तो बालिका ने काफी बड़ी जानकारी दे दी, पॉलिटिकली काफी मैच्योर है सोशली। और बच्चियां हैं, क्या नाम है आपका? पायल कवर उथमन सिरोई से। जी बताओ। हम क्षत्रिय युवक संघ के, मैंने शिविर 23 कर रखे है। मेरा पर्सनल शिविर से यही है कि एक तो बालिकाओं से मतलब जुड़ना, और क्षत्रिय युवक संघ का मतलब उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक समाज की बालिकाओं को जोड़े, और आने वाले समय में भावी माताएं बनने वाली है, तो वो अपने कौम के लिए ऐसी मतलब संतान की मतलब उत्पत्ति करे कि जैसे कि तन सिंह जी हुए और कई महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं जैसा संस्कार दे के और एक अच्छी नींव का निर्माण करें, ताकि आने वाले समय में कई युद्धाएं ऐसे हो जो हमारे समाज को एक रूप से चलाए रखे और धर्म को सर्वोपरि रखे, क्षत्रिय युवक संघ यही कहता है। 23 शिविर आपने किए जैसा आप बता रहे हैं, क्या होता है इन शिविरों में? इन शिविरों में सबसे पहले तो संस्कार निर्माणों की बात की जाती है, जो आजकल के समय में न तो विद्यालयों में मिलते हैं न कि कहीं परिवार में, क्योंकि संयुक्त परिवार बिछड़ चुके हैं। और मतलब यहाँ पे जितनी भी बालिकाएं आती है सबको एक समान रखा जाता है और सबको एक जैसी शिक्षाएं दी जाती है, जो कि परिवार में अपन को वंचित है हम उससे। तो यहाँ पे मतलब समय का, एक तो समय में पाबंद रहना सिखाते हैं, एक आप हर परिस्थिति में कैसे रह सकते हो, वो क्षत्रिय युवक संघ आपको अच्छे से, आपके परिवार में भले आप कैसे रहते हो लेकिन वहाँ पे आपको जैसे रखा जाता है वहाँ रहना पड़ता है। क्षत्रिय युवक संघ के शिविर प्रणाली के अलावा कुछ और इवेंट्स भी होते हैं, जैसे हमने कई इनसे बात की महिलाओं से, तो यह आयोजन शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है और इसी बीच हम आपको लाइव दिखाएंगे इवेंट जो है। तो
अपन और भी लोगों से बात करते हैं। मैं साथी से कहूँगा कैमरा इधर फोकस करे, तो जो लोग बात करना चाहते हैं उनसे अपन रूबरू होंगे, कुछ लोग तो बात नहीं करना चाहते। तो अभी भी वो जो शाइनेस जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपका क्या नाम है बेटा? विनीश कंवर। कहाँ से हो आप? सीनियर से, सीनियर राजस्थान। सीनियर बाड़मेर वाला जो है। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, क्या है ये कार्यक्रम? कार्यक्रम से बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे पहली बार दिल्ली आने का मौका भी मिला है जी। तो बहुत अच्छा लगे। वापस आओगे दिल्ली आपके? हाँ जी बिल्कुल। दिल्ली कैसी लगी आप? प्रदूषण वाला है बाड़मेर तो आपका बड़ा एनवायरमेंटल एक हब है। अच्छा। हाँ जी है, वो तो प्रदूषण है फिर भी आने के दोबारा मन है। मेट्रो में बैठे आप? हाँ जी। जी आपका क्या नाम है, आप आइए। कंचन कंवर राठौड़। कहाँ से हो आप? बाड़मेर। कैसा लगा आपको ये? बहुत, मतलब हम सौभाग्यशाली है जो हमारी किस्मत है हम यहाँ पे पधारे। और मेन ये है कि घर वालों को भी जाता है कि घर वालों ने परमिशन दी, वो खुद भी आए हैं। मेरे पापा सूरत रहते हैं, वो भी आए हैं यहाँ पे फंक्शन में, और हम बाकी गांव वाले भी पधारे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? BA फर्स्ट ईयर। तो जो स्टूडेंट है उसमें ज्यादातर लोग जो देखने को मिल रहे हैं वो बाड़मेर जैसलमेर के देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं से अपने लंबी बात की और भी लेडीज हैं। मैम कहाँ से बता रहे हैं आप? हम उदयपुर से। क्या नाम है? लक्ष्मी कंवर खाड़ा। क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ। जी। तो कैसा है ये इवेंट? दिल्ली आप पहले आए हैं इस तरह के कार्यक्रमों में या? इस तरह के कार्यक्रमों में तो कभी नहीं आई दिल्ली। जी। ये श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक जो है उनका 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष है। तो आपका क्या नाम है? मैं गुजरात से आई हूँ, उर्मिला बा बच्चे का हमारे नाम है। उर्मिला बा, स्वागत है आपका दिल्ली में। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारे बहुसा की 100वीं शताब्दी मनाने यहाँ आए हैं हम। गुजरात में क्षत्रिय संघ का बड़ा काम है। हाँ वहाँ बड़ा काम है और मैं संघ के स्वयं से का हूँ। आपका क्या नाम मैम? कल्पना बा। कल्पना बा, आप भी गुजरात? हाँ मैं भी गुजरात से हूँ, भावनगर से। जी जी, हम लोग जैसे यहाँ पे आए पहले बार आ गए थे लेकिन ऐसे माहौल में पहली बार आए, जैसे जन्म शताब्दी है। जी जी। तो हीरक जयंती के बाद यहीं पे ऐसे जयपुर आए थे आप? जयपुर आए थे हीरक जयंती। आप कहाँ से? मैं जयपुर से, निवाई से। जी, क्या नाम है? इंदु। पहले इस तरह का इवेंट या इस तरह का कुछ? इस तरीके के कई सारे क्षत्रिय युवक संघ के इवेंट हुए हैं लेकिन वो सभी जयपुर है, दिल्ली में ये पहली बार हो रहा है। ये इस बार दिल्ली का रखा है, इससे पहले हीरक जयंती हुई थी जो जयपुर में रखी थी। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम नीतू है, मैं उदयपुर से हूँ। और हमने ये सुन रखा था कि बहुत सर्दी है दिल्ली में, बहुत सर्दी है लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ पे। ये एक तरह से हमारे जो ये आपके केशरिया अंगारों ने थोड़ा कम कर दिया होगा इस सर्दी, शायद, क्योंकि हमको यही लगता है कि हम जहाँ भी जाते हैं अच्छा सा माहौल हो जाता है। और यहाँ पे क्षत्रिय संघ के स्वयं सेविका है हमारे बीच, क्या अदिति सुनारा। अदिति जी कहाँ से हो आप? सुनारा से हूँ। सुनारा गांव है मेरा। कौन सा जिला पड़ता है? टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो राजस्थान में बाड़मेर के अलावा भी लोग आए हैं? मतलब बाड़मेर के अलावा भी सब जगह है क्षत्रिय युवक संघ के स्वयं सेवक और स्वयं सेविका, हर जगह से, हिंदुस्तान के सब जगह से आए हैं। मैं साथी को कहूंगा एक बार ये ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे जिस तरह से हाड़ी रानी के नाम से या माता मदालसा के नाम से जिस तरह से खंड बनाए गए हैं महिलाओं के देखने के लिए, तो यह दिखाएं। कार्यक्रम शुरू होने में भी काफी वक्त है लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस स्टेडियम में आना शुरू हुए हैं। 70,000 की इस स्टेडियम की कैपेसिटी है और देश भर के अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। तो जो क्षत्राणियां हुई है उनके नाम पे इन्होंने यह जो खंड तैयार किए हैं जिसमें हाड़ी रानी सलेह कंवर जिन्होंने अपना शीश काट के निशानी दी थी अपने पति को, और जी ये कुछ बालिकाएं हैं जिनमें से कईयों से तो हम बात कर चुके, इनसे करिए सबसे। आप कहाँ से हैं आप? हम बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो कैसा क्या है माहौल? माहौल एकदम, अभी तो शुरुआत है, सुबह की 12:15 का समय है, उससे पहले इतना गर्म माहौल है तो लगता है स्टेडियम। सर्दी नहीं लग रही? नहीं सर्दी नहीं लग रही। तो कह रहे थे दिल्ली में बहुत सर्दी है सुना था, हमने भी पूरी तैयारी के साथ आए थे लेकिन यहाँ आकर बस सर्दी उड़ गई हमारी। जी जी जी। आपका क्या नाम है? पूजा जाखड़ी। कैसा क्या माहौल है?
बढ़िया माहौल, शानदार है, पूरा दिल्ली देखेगा इस बार। अच्छा, दिल्ली देखेगा। पिछली बार क्या दिखाएंगे आप दिल्ली को? केसरिया राजपूती क्षत्रिय एकता हुकम। तो ये क्या नाम है आपका? राजलक्ष्मी जी। बताओ राजलक्ष्मी, कैसा, क्या, क्यों आप आए हो दिल्ली में? आपको क्या बताऊँ, आपको खुद को दिख रहा है, पूरी स्टेडियम केसरिया में हो गया है और कल न्यूज़पेपर में दिख ही जाएगा सबको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा प्रश्न आपके सामने होगा। कहाँ से हैं आप? हम बाड़मेर से हैं। बाड़मेर से बहुत लोग आए हैं? हाँ सर। कितनी गाड़ियाँ आई है बाड़मेर से? बाड़मेर से ट्रेन आई है, दो स्पेशल ट्रेन है और एक बालोतरा से अलग है। तीन ट्रेनें जो है बाड़मेर इलाके से हुई है। और ये जैसा मैं बता रहा था कि जो क्षत्राणियाँ हुई हैं उनके नाम से इन्होंने एक खंड बनाए हैं, और इस स्टेडियम, ये जेएलएन स्टेडियम जहाँ कॉमनवेल्थ हुआ था, जहाँ पे बहुत सारी भारत की बेटियों ने स्वर्ण पदक जीते थे, 101 स्वर्ण पदक 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में होते, उसके बाद ये स्टेडियम बहुत शानदार तैयार हुआ। तो ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में क्षत्रिय युग संघ एक बड़ी संख्या में लोगों को जुटा के इस आयोजन में एक बड़ा मैसेज देना चाहता है राष्ट्रीय स्तर का। हम आपको लगातार रूबरू रखेंगे कि क्या माहौल है और कैसे इस चीज़ को लाइव हम लोग दिखाएंगे। तो आपसे अपील है कि आप थिंक 360 से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।